ए सिब्बू, सिब्बू सुन तो। हाँ मम्मी बोलो। अरे सुन ना बेटा। अरे मम्मी कुछ बोलोगी तब भी तो सुनूंगी। क्या बोलूं, पूरा दिन तो फोन में लग रहती है, टिक 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 टिक, पता नहीं क्या करती रहती है। फोन रख, फोन रख, फिर मेरी बात सुन पूरी, सुन, चल। हाँ मम्मी रख दिया, अब बताओ। तुझे पता है बेटा, तेरी मासी के पोते के भांजे की बेटी की शादी हुई थी ना पिछले साल, उसके बच्चा भी हो गया। हाँ तो मम्मी ये तो अच्छी बात है, इसमें मैं क्या करूँ। तू भी मुझे नानी बना देना। सॉरी मम्मी, वो तो बिना शादी के पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ अब समझी ना तू मेरी बात, यही तो मैं तेरे को समझाना चाह रही हूँ। बेटा शादी कर ले शादी, जिससे मुझे भी ना थोड़ी शांति मिले। अरे यार मम्मी कुछ नहीं रखा है इन शादी वादी में, और वैसे भी मैं अपनी पूरी जिंदगी वो भी एक ही आदमी के साथ, मेरे बस की तो नहीं है मम्मी। हाँ जैसे अभी तो सिंगल रहकर पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ रही है ना। अरे मम्मी आप ना अपने एप्पल काट लो। हाँ काट ही रही हूँ। कौन आ गया? अरे जिज्जी कैसे हो? कैसी है तू शिल्पा, कैसी नहीं है? अरे जिज्जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर तो आओ। तू जगह देगी तब ना, पीछे ओ, ओ, मैं भी ना, चलो चलो। थक गई। नमस्ते बुआ जी। अरे नमस्ते, क्या कर रही है बुआ, इतनी दूर से आई, आगे गले लग भाई। शाबाश। और बुआ जी कैसे हो आप? अरे कैसे वैसे छोड़, पानी का एक गिलास लेके आए रसोई से जाके। अरे मेहमान आए हैं भाई, पानी तो पूछना ही चाहिए ना। और जी कैसे आना हुआ? कैसे आना होगा, क्या मतलब हुआ भाई, मेरे भाई का घर है, जब मेरा मन चाहेगा मैं आऊंगी। हाँ वो तो। अच्छा जी जी एप्पल खाओ। लो बुआ जी पानी पानी पानी। अरे सिब्बू तू कितनी बड़ी हो गई है रे। अरे बुआ जी आप पिछले महीने तो आए थे अभी। अरे बढ़ती उम्र के बच्चे हो तुम लोग, हम तो बुड्ढे हो रहे हैं, समझा करो। अरे शिल्पा तूने इसके लिए कोई रिश्ता देखा कि नहीं अभी तक? कहाँ जिज्जी, आप तो जानते हो ना आजकल के बच्चे। अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि मम्मी एक ही आदमी के साथ पूरी जिंदगी नहीं काट सकती, बताओ। अब तू चिंता मत कर, मैं आ गई ना, इसका रिश्ता तो मैं कराऊंगी। बुआ जी पर पर परवर कहके तू बहुत उड़ ली, अब तेरे पर मैं काटूंगी, समझे। और शिल्पा तू यहाँ बैठी क्या कर रही है, जाके मेरे लिए एक कप चाय बना के ला बढ़िया सी। हाँ चाची। तब तक मैं बिटिया से बात कर लूं, तू इधर आ मेरे पास बैठ। ये देख तू मुझे अपनी पसंद बता दे, तेरे को कैसा लड़का चाहिए? मेरे पास सब तरह के लड़के हैं, ये देख, ये ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, ये अमेरिका रिटर्न, ये कनाडा रिटर्न, ये अफ्रीका रिटर्न, और फॉरनर नहीं चाहिए तो मेरे पास भारतीयों की भी भरमार है, एक से एक परखे हुए रिश्ते हैं। तू ये देख, इंजीनियर देख, ये डॉक्टर देख, ये आर्किटेक्ट देख, ये बिजनेसमैन देख, ये सेल्फ एम्प्लॉयड देख, ये बैचलर देख, ये मैंने एक से एक बढ़िया रिश्ते लेके आई हूँ बेटा तेरे लिए, तो हाँ तो कर, मैं तेरा रिश्ता करवा के ही दम लूंगी, चाहे तू कुछ कर ले। तू होगी वन टू टू, ओ कुड़िए वन टू टू, ओ होगी मुंडे दी। लेना? अरे नहीं दीदी मैं ना डाइट पे हूँ, वैसे टेस्टी है। दीदी वैसे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? ये वही है ना जो उस दिन हम मार्केट गए थे, आपको पसंद आई थी वही से ली ना। वही है। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू। तू भी बड़ी सुंदर लग रही है, नई नई साड़ी। थैंक यू दीदी, आप दूसरा केक ले लेना ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है। अरे दीदी वो देखना, वो आ रही है। कौन वो? अरे वो अपने मोहल्ले के मिस यूनिवर्स। हम आते ही चालू हो जाएगी। ये देखो मेरा नौ लखा हार।
हेलो मिसेस वर्मा। हेलो। बड़े सिंपल से लग रहे हो, ज्वेलरी नहीं पहनी ज्यादा। अब मुझे ही देख लो ना, नौलखा हार पहना है मैंने, कल ही गिफ्ट किया है मेरे हस्बैंड ने। अच्छा है अच्छा है, ब्लाउज तो आपने पहना ही नहीं, कम से कम नौलखा हार तो पहन लिया। सॉरी हाँ। अच्छा दीदी आपको पता है लड़के ने ना 75,000 की शेरवानी ली है। बताओ 75,000 की शेरवानी कोई लेता है? अरे इतने पैसों में तो पता नहीं क्या क्या ही हो जाता। अब क्या ही कर सकते हैं, जिसकी जितनी सोच। सोच दीदी, सोच की तो दिक्कत है। अब देखो जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड ने तो शेरवानी तक नहीं पहनी थी। क्या बात कर रही हो। अरे मेरा मतलब है कि कोट पैंट पहना हुआ था, क्योंकि अब देखो अगर शेरवानी लेते तो उसको बस एक बार ही पहन पाते और फिर वो सालों साल बेड में ही रखी रहती। अब उन्होंने कोट पैंट लिया तब वो उसको बार बार पहन सकते हैं, किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। अब देखो ना इस फंक्शन में भी वही पहन कर आए हैं। सही है सही है। और दीदी ये देखो डेकोरेशन, ये कोई डेकोरेशन है? मैंने तो सुना है कि कई लाख इस डेकोरेशन पे खर्च कर दिए हैं। अरे क्या करना होता है डेकोरेशन में, दो चार लड़ियां और फूल मालाएं तो लगानी होती है, और इसमें उन्होंने इतने पैसे फूंक दिए। अरे मुझे बोल देते मैं डेकोरेशन कर देती, जो पैसे उन्होंने बाहर दिए वो मुझे दे देते। अरे तू भी ना, अच्छी तो है डेकोरेशन, चुप हो जा। और हाँ दीदी मैंने तो सुना है कि लड़की वालों ने लड़के को कर्मडीज गिफ्ट करी है। हैं कर्मडीज? हाँ हाँ इट्स मर्सिडीज। हाँ हाँ जो भी हो तू समझ गई ना। और दीदी और देखो खाने की प्लेट, इन्होंने एक प्लेट 2,000 की रखवाई है। मतलब खाने पे कोई इतना खर्चा करता है? कौन खाएगा इतना खाना, मैं तो डाइटिंग पे हूँ, क्या ही जरूरत है इतना महंगा खाना रखने की। हाँ खाना भी तुझे ही बोल देते, तू ही बना लाती है ना। आप भी ना दीदी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद है तो मतलब आप कुछ भी बोलोगे। चुप रहा कर थोड़ा। अच्छा भैया खाना खाओ। भैया देखो अच्छी सी मेहंदी लगाना और जल्दी जल्दी, मुझे घर में और भी बहुत सारे काम है, शादी का घर है। अरे दीदी जल्दी जल्दी लगाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। क्या अच्छे से नहीं लगेगी, आप मेहंदी तो लगाते हो और क्या करते हो, आपको तो इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जल्दी लगाना है। शादियों के घरों में जल्दी मेहंदी लगाते हैं। और सुनो यहाँ यहाँ तक पूरा हाथ भर के लगानी है और दोनों पैरों में भी यहाँ यहाँ तक लगाना है, ठीक है? पर दीदी पेमेंट तो दो हाथों की हुई थी ना, अगर पैरों में लगवानी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। भैया क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा विक्स्ट्रा सब भूल जाओ आप, दुल्हन की बहन हूँ मैं, इतना हक तो बनता है मेरा। चलो लगाओ। और हाँ भैया सुनो एक ना नाम लिखना है, चिंटू, अच्छे से छुपा छुपा के लिखना है, किसी को पता ना चले, कोई कितना भी ढूंढे, ठीक है? और अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती ना तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी, पर गलत नाम मत लिखना। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, नाम छुपाने में तो हम इतने मशहूर है ना, और ऐसा नाम छुपाएंगे, ऐसा नाम छुपाएंगे कि आपके होने वाले ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे सिबू हट, पीछे हट, अरे हट। अरे बुआ जी पर हुआ क्या? क्या हुआ, मेहंदी लगवानी हुई और क्या, हट। अरे पर बुआ जी अभी तो मैं लगवा रही हूँ ना, आप थोड़ी देर बाद लगवा लेना। सुबह से देख रही हूँ तेरे को, 4 घंटे हो गए गप्पे मारे जा रही है, मेहंदी लगाने का नाम ही नहीं देख, कहाँ लगी मेहंदी, अभी शुरू भी नहीं हुई, अब मैं कब तक इंतजार करूंगी। और जल्दी उठ जा यहाँ से, तेरे जीजा का फोन आया है। क्या जीजा का फोन आया है? OMG, जीजा का फोन आया है। भैया मेरे ना जीजू का फोन आया है, मैं ना अभी जाती हूँ बात करके आती हूँ, तब तक ना आप बुआ जी को मेहंदी लगाओ, ठीक है? मैं अभी आती हूँ, जीजू का फोन आया। चल छोटू लगा मेरे हाथों मेहंदी जल्दी से, और बढ़िया सी लगाइयो। आपके में भी नाम छुपाना है क्या? छुपा के लिखना है? क्या बकवास कर रहा, एक दूंगी कान के नीचे खींच के। तेरे माँ की उम्र की हूँ, मेरे साथ बकवास करेगा? दोनों हाथों में मेहंदी लगा जल्दी से, और देख रंग चढ़ना चाहिए, अगर रंग ठीक से नहीं आया ना तो सारे पैसे काट लूंगी। एक बात बता छोटू, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला कि क्या आपका नाम भी छुपा के लिखूं? वो बुआ जी वो छोटी दीदी के भी लिखना है ना।
चल चल, तू मेहंदी लगा, अपना काम कर, अपने काम से मतलब रखा कर। ठीक है बुआ जी। सुन, एक काम करते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। भैया, ओ भैया, इधर आओ एक बार। जी मैम, आया। भैया, आप ना हमारी दो चार अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर दो। ओके मैम। बस मैम। अरे भैया, अभी कहाँ, अभी तो हमारी स्टोरी भी रहती है, रील्स भी रहती है, और व्हाट्सएप पे स्टेटस भी तो डालना है, और हमें फेसबुक के लिए अलग फोटोज चाहिए। चलो क्लिक करो अभी। लहंगा दिखाते हो? हाँ। मैम, बारात आने वाली है, उनकी भी फोटोज क्लिक करनी है। अरे भैया, आप उन सबको बाद में देख लेना, पहले आप हमारी फोटोज क्लिक करो, आखिर दूल्हे की बहन है हम, इतना तो बनता है हमारा। और वैसे भी हम कौन सा रोज रोज शादी में आते हैं, खींचो भैया। तो शादी कौन सा डेली डेली होती है। इस पर पेमेंट डबल लूंगा, डबल। एक काम करते हैं, दोनों वो वाला पोस्ट करते हैं, देखा था ना इंस्टा पे। हाँ। अरे भैया, कहाँ भाग रहे हो? भैया रुको तो सही। ओ भैया, अरे यार शिट, भाग गया। चल छोड़, कोई नहीं, गोलगप्पे खाते हैं। हाँ चल चल चल, चल। जी जी हाँ, सबने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया। हाँ दीदी घर पर ही आई हुई है, मेरे साथ ही बैठी है। Me too. अरे दीदी साथ में ही है। ओके बाय, गुड नाइट। हो गई बातें? हाँ। एक बात बता, कान खाली क्यों है तेरे? अरे दीदी घर पे ही तो हूँ, घर पे क्या पहनूं? सुन, अब दो दिन में ना तेरी शादी है, आदत डाल ले थोड़ा सजने सवरने की। क्या बोलेंगे तेरे ससुराल वाले, कैसे खा के भेजा तुझे तेरी बड़ी बहन और तेरी माँ ने। अरे दीदी दो दिन बाद है मेरी शादी, तो दो दिन बाद का सब कुछ मुझे पहनना ही है, तो दो दिन तो कम से कम ऐसे रह लूं। हाँ हाँ समझा इसको, ससुराल में जाकर ना हमारी नाक कटवाएगी, तू इसको सीधा कर सकती है, सिखा। अरे मम्मी आप बिना। चुप, बिल्कुल चुप हो जा, कोई बहस नहीं करेगी, अब यही बैठी रही हो, अभी इयररिंग्स लेके आ रही हूँ। यही सही करेगी, देखो मेरी बात तो सुनती नहीं है ना। पहने से पहन। ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे ही रहा करना बेटा। और शादी में परफॉर्मेंस करनी है, क्या सोचा है? मैं दीदी, मेरी तो शादी है, मैं क्या परफॉर्मेंस करूंगी? वाह, बातें सुनो इसकी, मेरी शादी में मैंने परफॉर्मेंस नहीं की थी क्या? देखा था ना कितनी शानदार परफॉर्मेंस हुई थी, कैसे तारीफ कर रहे थे सब। हाँ, हमारी नाक कटवाएगी क्या अपने ससुराल में जाके? चलो खड़ी हो। कितनी प्यारी परफॉर्मेंस की थी दीदी ने। पर दीदी आप तो डांसर हो ना, आपको डांस आता है, मुझे कहाँ आता है। हाँ तो मैं सिखाऊंगी ना डांस, किस लिए आई हूँ मैं यहाँ, तेरी शादी की डांस प्रैक्टिस करवाने। रुक, मिकी विनय, डांस परफॉर्मेंस करनी है, दीदी की शादी है ना। ठीक है चलो परफॉर्मेंस करेंगे। अरे चल यार। अरे मम्मी आप कहाँ बैठ रहे हो, चलो। अरे मैं क्या करूंगी। अरे मम्मी चलो यार। ओ, ओ, मुझे नहीं आता डांस। तो चलो ठीक है डांस स्टार्ट करते हैं। हाँ सबसे पहले ना आप लोग सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। सिपू तो थोड़ा आ गया। हाँ मम्मा आप सिपू के ना थोड़ा साथ में हो जाओ, थोड़ा आगे हो यार मम्मा। हाँ ठीक है, और मिक्की और विनय तुम लोग ना बिल्कुल पीछे रहोगे, ठीक है। चलो यार मम्मा थोड़ा सा आगे आ जाओ ना यार।
हाँ ठीक है, तो कल सिब्बू की मेहंदी है, तो पहला गाना हम करेंगे मेहंदी है रचने वाली, ठीक है? सारे अपने हाथ पीछे कर लो। अब हम 1 2 3 के बाद काउंटिंग पे अपने हाथ यू करके आगे लेके आएंगे और मेहंदी है रचने वाली, ठीक है? चलो 1 2 3 गो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। सिब्बू तेरे हाथों में लाली है, अच्छे से दिखानी है, इतना लेजी पना मत दिखा, ठीक है? और स्माइल करके कर। हाँ। और मम्मा ये पहले बंद है फिर खोलना है और सामने दिखाना है, खुद क्या देख रहे हो मम्मा। चलो 1 2 3 गो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, ठीक है? चलो अब बारी है मम्मा की। सिब्बू मम्मा ना उस वाले गाने पे परफॉर्म करेंगी, चंदा मेरी चंदा तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, ठीक है मम्मा? आप थोड़ा आगे आ जाओ अब। हाँ अब आपको मम्मा इस गाने पे क्या करना है, आपको ना सिब्बू को प्यार करना है, ठीक है? ठीक है, और विनय और मिकी तुम दोनों को ना ये करना है, जब मम्मा प्यार कर रही होंगी ना सिब्बू को तब तुम्हें ये करना है, ठीक है? चलो 1 2 3 गो। चंदा। अरे मम्मा क्या कर रही हो यार, मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा शादी वाले दिन। बताओ बच्चे को प्यार भी नहीं कर सकते, हमको मेकअप भी पड़ी है। सिब्बू यार क्यों ड्रामे कर रही है, इतनी मुश्किल से मनाया मम्मी को करने के लिए, करने देना। चलो 1 2 3 गो। चंदा मेरी चंदा तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। वाओ मम्मा आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मुझे लगा नहीं था आप इतनी जल्दी इतना अच्छा कर लोगे। और तुम दोनों अब ये बताओ कि तुम दोनों ने क्या सोचा है, क्या परफॉर्म करोगे बहन की शादी पे? नहीं दीदी। अच्छा चलो ठीक है, तो तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक गाना है, वो वाला गाना ना, आज मेरी बहन की शादी है, आज मेरी बहन की शादी है। नहीं नहीं हमें इस गाने पे डांस नहीं करना, मेरे पास एक बहुत बढ़िया गाना है, वो बादशाह गाना है ना, तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, बादशाह का कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, चुपचाप इस वाले गाने पे परफॉर्म करो, आज मेरी बहन की शादी है, और अगर ये नहीं करना तो बाबुल की दुआएं लेती जा पे करो, ठीक है? अब बेटा मुझे छुट्टी दे देना, एक डांस पे तो कर ही चुकी हूँ ना मैं, ये वाले पे मेरे ना घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मम्मा आप बैठ जाओ, आपका हो गया वैसे भी, करो करो। चलो ठीक है अब ये वाला स्टेप करेंगे, अब अपना राइट हैंड अप करो, राइट वेस्ट बाहर निकालो और ये स्टेप करो, 1 2 3 4 अरे दीदी पर मेरी तो शादी है तो मैं डोली क्यों उठाऊं? अरे तुझे किसने कहा है डोली उठाने के लिए, तुम बीच में खड़े हो कैसे शर्मा? हाँ हाँ ठीक है चलो 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड यार, बड़ी जल्दी सीख गए तुम लोग तो। दीदी आप ना किसी नेक्स्ट गाने पे करते हैं। तो ठीक है देसी गर्ल पे करते हैं, ठीक है चलो। राइट हैंड ऐसे उठाओ, 1 2 3 गो। देसी गर्ल दीदी इस साइड है यार। 1 2 3 गो दीदी, स्पेस की प्रॉब्लम है थोड़ी, इधर हो जाओ। हाँ ऐसे 1 2 3 गो। देसी गर्ल विनय इस तरफ। 1 2 3 गो। देसी गर्ल आई तो गो क्रेजी के जब बज दे पंजाबी वेडिंग सॉन्ग।